मरने के बाद जिन अपनों को भूल चुका था परिवार, उन्हें आज मुक्ति मिलने जा रही है। धमतरी की संस्था स्वर्ग धाम आज ऐसे अस्थि कलश जो मुक्ति धाम रामनगर भिलाई में है, करीब 44 अस्थि कलश है जिन्हें आज लेकर के यहाँ से जाएगी और उन्हें मोक्ष प्रदान करेगी। उनका पूरे क्रियाक्रम के तहत उनका प्रसंस्कार होगा और अस्थि का विसर्जन होगा और तर्पण भी होगा। सारा कुछ ये जो प्रयास है, कई सालों का प्रयास था निगम का भी कि कम से कम इन अस्थियों को जिन्हें लोग भूल चुके हैं यहाँ पर संस्कार के बाद, अंतिम संस्कार के बाद उन्हें किसी तरह मुक्ति मिल जाए, और निगम का ये प्रयास है आज रंग लाया है। और आपको बता दें कि IBC 24 ने इस खबर को बहुत प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद बहुत सारे प्रयास हुए और आज यहाँ पर जो यहाँ 44 जो मृतक हैं उन्हें आज यहाँ पर मुक्ति मिलने जा रही है। आइए संस्था के जो प्रमुख हैं उनसे जुड़ते हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हो संस्था? आप किस तरीके से भिलाई निगम का पता चला आप लोगों को यहाँ पे? मैं धमतरी से आया हूँ। मेरा नाम अशोक आपे साहिब पवार है। मैं वहाँ पे विगत 2004 से जो लावारिस मृतक होते हैं उनको अंतिम संस्कार करने की एक संस्था बनाई है जिसका नाम है स्वर्गधाम सेवा समिति। अभी तक मैंने 589 मृतकों का अंतिम संस्कार मैंने कर चुका है, साथ ही साथ उनका सर पितृमोक्ष अमावस्या पर उनका तर्पण और पिंडदान भी करते हैं। तो हमारी संस्था इसके लिए कार्यरत है, अभी वर्तमान में भी कार्य कर रही है। मैं एक समाचार पत्र भिलाई एडिशन का, दैनिक भास्कर का पढ़ा था, जिसमें मुक्ति धाम में 40 अस्थियाँ रखी हुई हैं जिनके मुक्ति का इंतज़ार, ऐसा शीर्षक आया था उसका। तो मैंने वो शीर्षक पढ़ते हुए धमतरी नगर निगम के महापौर विजय देवांगन, जिनको मैंने पढ़ाया है, वो संपर्क साधा। संपर्क साधने पे उन्होंने यहाँ के जो महापौर हैं नीरज पॉल जी, उनसे चर्चा हुई, मैं भी था सामने में। तो चर्चा करने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप आवेदन लगाइए। तो मैं उनको व्हाट्सएप में अपना आवेदन बनाया, अपने समिति के लेटर पैड से। दो दिन बाद पता चला कि वो MIC में पास हो गया है। कुछ कानूनी प्रक्रिया और मंजूरी के लिए रुकी हुई। मैं तो चाहता था कि सर पितृमोक्ष अमावस्या के पहले इनका अस्थि विसर्जन करूं और पिंडदान में इनका तर्पण करूं, परंतु एक सरकारी प्रक्रिया के तहत थोड़ी लेट हो गई। तो अभी मैं लेने आया हूं। मेरा कल एक दिन पूरा उनकी व्यवस्था में लगेगा। तो परसों चिरतुत्पला गंगा निधि रुद्रेश्वर घाट के धाम में मैं उनका पूरा विधि विधान से मैं इनका अस्थि विसर्जन कराऊंगा, और अगले वर्ष से सर्व पितृमोक्ष अमावस्या इनका बराबर तर्पण होगा, इनका बराबर पिंडदान होगा। इस तरह के कार्य के लिए आपको प्रेरणा कैसे मिली, क्योंकि आप अब तक आपने 550 से ज़्यादा अस्थि कलश का जो विसर्जन किया है, कैसे प्रेरणा मिली थी इसको? मैडम, आज से मैं 95-96 की बात है, मैं जिला चिकित्सालय धमतरी में एक 35-40 साल की महिला का लावारिस लाश देखा। मुझे पता चला पूछने पर कि ये लावारिस है, कल नगर निगम आएगी अंतिम संस्कार कर देगी। उसी के बाद एक उपापोह मेरे उसमें उठा और मैं सोचा कि क्यों नहीं संस्था खोली जाए। प्रयास करते करते 2004 में सफल हुआ और 2004 अगस्त में मेरा पंजीयन हुआ। अजय चंद्राकर जी उस समय समाज कल्याण के मिनिस्टर थे, उस समय ये हुआ और तब से लेके आज तक के मैं अभी तक 589 मृतकों का अंतिम संस्कार कर चुका हूँ, साथ ही साथ उनका तर्पण और पिंडदान, मतलब सर पितृमोक्ष बहुत बहुत अच्छे ढंग से अपन करते हैं। शांति भोज भी कराते हैं, लंगर खुलता है 1 बजे से रात को 7-8 बजे तक चलता है, और ये सब मृतात्माओं का सब दुआ है कि इतना बड़ा काम कर ले रहे हैं। आप पराये होकर के ऐसे लोगों का तर्पण करते हैं जिन्हें अपने भूल गए, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज में, किस तरह की मानसिकता देखने आ रही है? मैं तो समाज को एक दिल से बोलता हूँ, आप इस बात को मुखरता से प्रकाशित कीजिए कि अपने अगर मानव जीवन का अगर कोई दो धन है वो अपने पितर हैं, माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, परदादा, परदादी, ये बहुत बड़ा धन है। जो इनकी सेवा करेंगे, भगवान की सेवा की ज़रूरत नहीं है, और वो कुल बहुत सुख शांति से बीतेगा, समृद्धि से बीतेगा, नाम होगी, प्रसिद्धि होगी। ये मैंने अपने परिवार में देखा है। मेरा एक लड़का है, वो CA है, मेरी लड़की डॉक्टर है।
जी हाँ बिल्कुल, ये भावुक पल है कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अपनों को छोड़ करके जो है यहाँ पर लोग चले गए, अपने गुजर गए, उनका संस्कार किया और चले गए यहाँ पर गलत एड्रेस गलत फ़ोन नंबर लिखा कर। लेकिन कुछ ऐसे समाज में जो मानवता को एक नई पहचान दे, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो उन्हें यहाँ पर आज मुक्ति दे रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं रामनगर मुक्ति धाम है यहाँ पर, और यहाँ पर 44 अस्थि कलश आज यहाँ से धमतरी को रवाना होंगे और नगर निगम ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पर किस तरीके से जो है एक गाड़ी भी आई हुई है और लेकर के यहाँ रवाना होगी और परसों इनका जो है विसर्जन किया जाएगा, उसके बाद में पिंडदान होगा और जो विधि जो एक अंतिम संस्कार के चरणों में होती है वो सारी विधि की जाएगी। करीब 20 साल के इंतज़ार के बाद आखिर इन मृत आत्माओं को अब शांति मिलने जा रही है, उन्हें मोक्ष भी मिलेगा और उनका तर्पण भी होगा। IBC 24 मैदानी के जरिए हम एक संदेश ज़रूर देना चाहते हैं कि आपके अपने परिजन थे जो आज 20 साल से आपका इंतज़ार कर रहे थे पर आपने उनकी सुध नहीं ली, लेकिन कम से कम आप जो देख रहे हैं समाचार वो ये ज़रूर एक संदेश समाज में दीजिए कि परिवार में चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई भी सदस्य हो, आपके अपने हैं, आपके अपने पूर्वज हैं, आपके अपने पितर हैं, तो उनका संस्कार आपके परिवार के हाथ होना चाहिए। लेकिन धन्य है ऐसी संस्थाएं जो ऐसे लोगों को जो मृत हो चुके हैं, बरसों से इंतजार अपने परिवार का कर रहे थे, वो अब उन्हें मोक्ष देने जा रहे हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।